और देखिए, गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली की राजघाट से सीधा तस्वीरें मिल रही हैं। ले चलते हैं आपको वहां पर, जहां पर आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही होंगी। बापू को नमन करने के लिए लगातार देश के दिग्गज नेताओं का तांता लगा हुआ है और ताज़ा तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है, जो बापू को नमन कर रही है, श्रद्धांजलि दे रही है। राजघाट की ये तस्वीरें हैं। देखिए, बापू की 155वीं जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है। इससे पहले तस्वीरें आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे थे, उन्होंने भी बापू को नमन किया था और वहां पर आपको तमाम नेतागण मौजूद नज़र आ रहे होंगे। और ये सीधा तस्वीरें आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। राजघाट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज 155वीं गांधी जयंती के अवसर पर बापू को नमन किया जा रहा है। श्रद्धांजलि अभी अभी अर्पित की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि ये राष्ट्रपिता को याद करने का दिन है, ये राष्ट्रपिता को नमन करने का दिन है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरा देश बापू को याद कर रहा है, तमाम नेता भी बारी बारी से दिल्ली के राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दिल्ली की सीएम आतिशी, वो भी राजघाट पहुंचे, उन्होंने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, बापू को याद किया, बापू को नमन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री का ये बयान भी सामने आ चुका है कि बापू का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो देखिए, आज बापू की 155वीं जयंती पर देश बापू को नमन कर रहा है और ये तस्वीरें देश के दिग्गज नेताओं की हैं।